हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टेड है। उससे पहले मैं देता हूँ अपना इंट्रो, ठीक है, एंड देन उसके बाद मुबशिर आपको बताएगा कि कौन सी मैं हूँ वजाहत और ये मुबशिर। तो गाइस, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग किस्म की। काफी लोग बोल रहे थे गारुद कमांडोस के बारे में, मतलब वीडियो लाई जाए क्योंकि उनके फैक्ट्स, मतलब 10 फैक्ट्स बताए जाए, मतलब लिंक कितने लोगों ने सेंड किया, बहुत ने भेजा यार। तो डिफेंस स्क्वाड की वीडियो है, तो इसका टाइटल पढ़ता चलूं, गारुद कमांडोज टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट गारुद स्पेशल फोर्सेस हिंदी में। सो इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज चेकआउट कर लेना। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना यार, सपोर्ट करो मेरे भाई। यार बहुत बहुत शुक्रिया जितने सपोर्ट कर रहे हो यार, उसके लिए भी दिल की तहे गहराई से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, काउंट डाउन को मारो गोला सीधा स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्क्वाड चैनल। इस वीडियो में हम आपको इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ कमांडोज के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, गरुड़ कमांडोज इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो 6 फरवरी 2004 को एस्टेब्लिश हुई थी। इसमें करीब 2000 पर्सनल हैं और इस यूनिट का नाम पक्षी राज गरुड़ के नाम पर रखा गया है। तो चलिए जानते हैं गरुड़ कमांडोज के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स, जिनको जानने के बाद आपको गरुड़ कमांडोज पर गर्व महसूस होगा। तो वैसे भी है। गरुड़ स्पेशल फोर्स इंडिया की सबसे यंगेस्ट स्पेशल फोर्स यूनिट है, जो सबसे पहले एयर इंडिया 2005 एयर शो के दौरान बड़े पैमाने पर सामने आई थी। 2001 में जम्मू और कश्मीर में 2 एयरफोर्स बेस पर आतंकवादी हमला होने के बाद इस स्पेशल फोर्स यूनिट को बनाने का फैसला लिया गया था। गरुड़ कमांडोज इंडियन नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर ट्रेंड होते हैं और एयरबोर्न ऑपरेशन, एयरफील्ड सीजर, काउंटर टेररिज्म और जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन सब के साथ साथ गरुड़ कमांडोज को पीस टाइम के दौरान इंडियन एयरफोर्स एयरफील्ड की प्रोटेक्शन भी करनी होती है। 2016 पठानकोट हमले के दौरान गरुड़ कमांडोज की ही मदद ली गई थी। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की तरह गरुड़ स्पेशल फोर्स के लिए कैंडिडेट्स को दूसरी ब्रांच से नहीं चुना जाता है। गरुड़ के रिक्रूटमेंट डायरेक्ट एयरमैन सिलेक्शन सेंटर द्वारा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होती है और एक बार गरुड़ फोर्स ज्वाइन करने के बाद कमांडोज अपने बाकी कैरियर के दौरान अपनी यूनिट के साथ ही रहते हैं, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि इंडियन एयरफोर्स की यूनिट के पास लंबे समय तक के लिए सबसे बेस्ट सोल्जर्स मौजूद रहते हैं। फैक्ट नंबर 4, गरुड़ फोर्स के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिग्रेस फिजिकल ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कैंडिडेट्स के पास गरुड़ कमांडो बनने के लिए सिर्फ एक ही मौका होता है, यानी कि कैंडिडेट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गरुड़ के सिलेक्शन प्रोसीजर को क्लियर करना होता है। पहली ट्राई में फेल तो फेल। गरुड़ कमांडोज का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 72 वीक्स का होता है, जो कि इंडियन स्पेशल फोर्स में सबसे लंबा ट्रेनिंग कोर्स है, लेकिन इसमें बेसिक ट्रेनिंग भी शामिल होती है। इनका टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन करीब 3 साल तक होता है और गरुड़ कमांडोज का ट्रेनिंग का इनिशियल फेज 3 महीने का होता है, जिसमें कैंडिडेट्स को अगले फेज की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और इस फेज का एट्रिशन रेट बहुत हाई होता है, जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। गरुड़ एयरमैन अपनी कैप पर एयरमैन बैरेट बैच पहनते हैं। गरुड़ कमांडोज भी पैरासूट ट्रेंड होते हैं और इसलिए ये भी अपने राइट पॉकेट के ऊपर पैरा विंग बैच पहनते हैं। पहले गरुड़ कमांडोज द्वारा राइट पॉकेट पर पहने जाने वाला गरुड़ कमांडो बैच, जो कि एनर्जी बैच की तरह दिखाई देता है, अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके जगह पर गरुड़ अब गोल्ड कलर का गरुड़ विंग बैच पहनते हैं और ये बैच चेस्ट के लेफ्ट साइड में पहना जाता है। गरुड़ कमांडोज पहले अदर इंडियन स्पेशल फोर्स की तरह ट्रेडिशनल मरून बैरेट की जगह ब्लैक बैरेट पहनते थे, लेकिन अब गरुड़ कमांडोज भी मरून बैरेट ही पहनते हैं। लेफ्ट शोल्डर पर फॉर्मेशन इंसिग्निया और स्लीव्स पर IAF गरुड़ का बैच गरुड़ कमांडोज की पहचान है।
गरुड़ कमांडोज को मिजोरम में स्थित CIJWS यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल में भी ट्रेनिंग दी जाती है। CIJWS पूरी दुनिया में अपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए मशहूर है। ये ट्रेनिंग स्कूल दुनिया भर की आर्मीज के सोल्जर्स को अट्रैक्ट करता है, यानी पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आमतौर पर गरुड़ कमांडोज अपने ऑपरेशंस के दौरान मिलकर एक छोटा दस्ता बनाते हैं जिसे ट्रैक कहते हैं। चार चार कमांडो के ऐसे ही तीन ट्रैक बनाए जाते हैं और ये एक आगे बढ़ने की टेक्निक होती है जिसे कैटरपिलर टेक्निक कहते हैं। गरुड़ कमांडोज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार खास तौर पर इसराइल से मंगवाए जाते हैं। गरुड़ कमांडोज दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस होते हैं। इनमें TAR-21 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक 17 एंड 19 पिस्टल्स, हैकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन्स, AKM असॉल्ट राइफल, AK-47 असॉल्ट राइफल और पोटेंट M4 कार्बाइन शामिल हैं। गरुड़ कमांडोज का मोटो है डिफेंस बाय ऑफेंस, यानी कि प्रहार से सुरक्षा। सप्रेसर लगा था। तो ये थे गरुड़ कमांडोज के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स। हमारे इस वीडियो के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ये थी वीडियो और यहाँ पे वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वजाहत बता, क्या पसंद आया तुझे? यार मुझे ना इनके जितने भी इन लोगों ने फैक्ट्स बोले हैं ना, तमाम ही अच्छे लगे हैं। मतलब यार मतलब कि एक रिस्पेक्ट एक ही है। मतलब एक ही पहले तो तुम लोग एक ट्राई कर सकते हो, उससे ज्यादा हाँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और इसराइल से इनके वेपन आते हैं और काफी वेल इक्विप्ड होते हैं। और मतलब के मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज कर रहे हैं, वेपन यूज कर रहे हैं, जो की काफी अच्छी बात। बिल्कुल ओग जैसे लगते हैं। लोगों ने नीचे कॉमेंट्स में बताया था कि ओग नहीं थी, हमें तो पबजी वाले बंदे हैं। हमें तो वही पता है। और यार इनकी ट्रेनिंग भी काफी टफ होती है यार, बहुत ज्यादा। और मतलब के तकरीबन 1.5 से 3 साल की तकरीबन इनकी ट्रेनिंग होती है और उसमें बंदा पिस के रह जाता है। बिल्कुल 3 साल इनको, और जिसमें से सब टोटल मिला के 3 साल और 72 जो वीक होते हैं उसमें तो सही, वो मेन होता है, उसमें तो बहुत ज्यादा खराब करते हैं। अगर वो बंदा उसमें निकल जाए तो समझे कि भाई, और एक ही ट्राई भाई, एक ही ट्राई करना है तो अपनी एक ही ट्राई। और कश्मीर वगैरह इसके लिए मतलब ये यूज होते हैं, यूज किया जा रहा है। तो ओवरऑल यार बहुत मजे की वीडियो थी। हाँ यार इसके फैक्ट्स काफी उम्दा थे, काफी इंटरेस्टिंग थे। मतलब के जैसे कि हमने पहले इस पे रिएक्ट किया था, वो जस्ट इसकी एक वीडियो थी मोटिवेशनल, और इसमें इनके फैक्ट्स बताए गए हैं कि भाई ये फैक्ट्स हैं। तो यार काफी मजे की, मतलब काफी अच्छी किस्म की है, खूनखवार किस्म की। यार मतलब के अब ये एयरफोर्स की है, ठीक है। वैसे तो एक होती है ना बहुत ज्यादा स्पेशल फोर्स के, मतलब के एक आर्मी की, मतलब लैंड आर्मी जो होती है उसकी होती है, ठीक है, उसकी इतनी खूंखार टाइप होती है। लेकिन इस वाली को ट्रेनिंग भी दी जाती है। मतलब बकाया दूसरी नेवल आर्मी वाली सारी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। अभी बताया उन्होंने भाई इनको भी मतलब के कम नहीं, इनको उल्टा ये गरुड़ पलते हैं ना इसको, गरुड़ तो काफी मजे का नाम रखा गया, लेकिन थोड़ा हमारे लिए टफ है क्योंकि अभी सुने गरुड़ बोल रहे थे वो, तो गरुड़ में भी नाम हो। चलो वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर आप लोग यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ कि यार अगली वीडियो इस पर बनाई जाए। और यार हम मतलब ये भी रिक्वेस्टेड हम कर रहे होते हैं, काफी लोग कह रहे हैं हमारी वीडियो नहीं आ रही है। यार बहुत बहुत यार यकीन करो रिक्वेस्ट आती हैं, इंस्टा पे आ जाया करो, वहाँ पर आप कर दिया करो, वहाँ पर हम जल्दी सुन लेते हैं। सो आप उधर कर दिया करो क्योंकि इधर लिंक का आप कमेंट्स में आगे पीछे हो जाते हैं अगर नहीं समझ आता। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखना और चैनल एम तो बताया ही नहीं, एम बस जितने खुशी से कर दे यार, जितना खुशी से कर दे ये लोग। हाँ यार नहीं बताते हैं आज बहुत। अच्छा 500 ना 700 ओके 700 प्लीज यार कर लेना 700।
सब्सक्राइबर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल।